प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भीड़भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रयागराज में EDFC के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम होंगे। उद्योग हो, व्यापार हो, कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इसका लाभ मिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 साल से देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। श्री राम मंदिर परिसर के निर्माण में मुख्य संरचना सहित लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने बताया कि राम मंदिर के लगभग 3.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। स्वामी गोविंद देव ने कहा कि मुख्य राम मंदिर के निर्माण की लागत 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि पूरा परिसर बनाने में 1100 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं आएगा। हालांकि अभी यही अनुमान लगाया गया है, इसमें ज्यादा या कम हो सकता है। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में नवजात के शव को चूहों के द्वारा कुतरने पर राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग गंभीर हो गया है। 30 दिन में जिला प्रशासन से मामले में अब तक की गई जांच रिपोर्ट तलब की है। रजिस्ट्रार ने लिखा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के सेक्शन 14 के तहत न्यायालयिक अधिकारों से संपन्न है। डीएन चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण द्वारा कीर्ति अस्पताल के संबंध में जाँच रिपोर्ट मांगी गई है, जल्द ही आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आगरा फतेहाबाद मार्ग पर मंगलवार की सुबह साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में कार एक कंटेनर में जा घुसी। चालक कंटेनर छोड़कर भाग गया। हादसे में कार सवार 3 युवक और 1 साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे ने सड़क पर मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए। साइकिल सवार को गंभीर रूप से जख्मी हालत में इलाज के लिए भेजा गया है। हादसे की सूचना पर SP पूर्वी के बैंकेट अशोक फोर्स के साथ पहुंचे थे। कार सवार और साइकिल सवार युवक कुंडौल के निवासी थे। एक ही गांव के 4 युवकों की एक हादसे में बहुत से गांव में कोहराम मच गया है। देश के लिए मेरठ स्थित सिसौली गांव के हवलदार अनिल तोमर जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक ऑपरेशन में शहीद हो गए। परिजनों के मुताबिक 25 दिसंबर की रात वे अपनी प्लाटून के साथ विशेष ऑपरेशन पर थे। आतंकियों ने अचानक गोलाबारी कर दी। उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार दोपहर आर्मी के अफसरों ने फोन कर जानकारी दी कि अनिल शहीद हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवान अनिल तोमर के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कानपुर देहात में STF ने 30 किलो चरस के साथ 3 महिलाओं समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद हुई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। STF टीम ने सूचना के मुताबिक सिकंदरा के सूर्या होटल के पास तस्कर गिरोह के 7 लोगों को पकड़ लिया। तस्करों के पास से 30 किलो चरस, 4,950 रुपए, 1,000 नेपाली मुद्राएं, 5 मोबाइल, 2 बाइक और मोतिहारी से दिल्ली का एक टिकट मिला है। CEO STF कानपुर तेज बहादुर सिंह ने बताया कि इन लोगों ने नेपाल से चरस तस्करी कर बिहार की सीमा में स्टॉक करने की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को मॉर्चरी में रखवा दिया है। गोली किसने चलाई थी अभी तक यह पता नहीं चला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे निकाह का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान हर्ष फायरिंग की जाने लगी। इस दौरान युवक को एक गोली लगी, इससे पंडाल में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग युवक को ककराला स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हाथरस की हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के बेहटा बम्बे में अपने घर से 9 दिन से गायब 14 साल की किशोरी का शव मिला है। शव को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर दोनों थानों सिकंदरा राव और हाथरस जंक्शन पुलिस पहुंच गई, जिसने शव को बम्बे से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, किशोरी की पहचान आरती उर्फ कुमकुम के रूप में हुई है। लड़की के परिजनों ने बताया कि आरती मंदबुद्धि थी, जो 19 दिसंबर से घर से गायब थी, जिसकी परिजनों द्वारा 21 दिसंबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत महापौर आशा शर्मा व नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन हिंदी भवन लोहिया नगर में किया गया। शहर को जागरूक करने के लिए नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मंच पर महापौर आशा शर्मा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर व पार्षदों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के क्रम में मंच पर नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए शहर के बेटियों द्वारा आत्मरक्षा के लिए कराटे का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में नागरिकों
नागरिकों के लिए स्वच्छता का संदेश देने वाला नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। हरित कचरा निस्तारण अभियान के लिए मंच पर डेमो दिया गया कि किस प्रकार हम अपने रसोई के कचरे को कैसे निस्तारण कर सकते हैं। नगर आयुक्त के द्वारा शहर को 10,000 बाल्टी देने की घोषणा की, जिससे शहर के रसोई के कचरे आसानी से निस्तारण की जा सके। गाजियाबाद पुलिस ने एक गैंग को गिरफ्तार किया है। गाड़ी के शोरूम की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। ये लोग गाड़ी के शोरूम के मालिक के नाम से बैंक को फोन कर अपने अकाउंट में रुपया मंगवाते थे। ये साइबर ठग फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो मिक्सिंग कर फर्जी आईडी बनाकर उन पर सिम कार्ड निकलवाते हैं और उन नंबर को अकाउंट में अपडेट कराते थे, जिससे इनकी असलियत की जानकारी नहीं हो पाती थी। इस गैंग का सरगना बबलू यादव बताया जा रहा है। बबलू हिमाचल प्रदेश में अपराध कर चुका है और जेल भी जा चुका है। इसके साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, इनके पास से 5,00,000 रुपए, पासबुक और 45 कार्ड बरामद किए गए हैं, साथ ही 2 गाड़ियां भी मिली है। गाजियाबाद की थाना कोतवाली पुलिस, साइबर क्राइम टीम और एसपी सिटी की जो सर्वलांस टीम, उनके द्वारा एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। ये गैंग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हुए जितने भी कार डीलर्स और कार के जो शोरूम हैं उनमें कॉल करके अपने आप को वहाँ की डिटेल्स वो लोग ले लेते थे, और साथ ही साथ उन कार शोरूम्स का जिस भी बैंक अकाउंट में अकाउंट होता था वहाँ पे मैनेजर को कॉल करके उस कंपनी का मालिक अपने आप को बता करके हैवी अमाउंट का ट्रांजैक्शन, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं जो वो दूसरे बैंकों में ट्रांसफ़र करा लेते थे। ये बैंक के जो मैनेजर हैं उनको झांसे में लेने के लिए अच्छी खासी रिसर्च करते थे। ये लोग जो कंपनी है उसके जो मालिक हैं उसका जो असली नाम है वही नाम अपने ट्रू कॉलर मोबाइल आईडी में फीड करते थे और बैंक मैनेजर से लगातार 7-8 दिन तक बात करते थे, जिससे बैंक मैनेजर को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये कंपनी का असली मालिक है। और इनके कहने अनुसार वो बैंक मैनेजर आरटीजीएस ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट्स में कर देता था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त विनय कुमार यादव उर्फ बबलू है, ये पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है, जिसमें 302 के मुकदमे भी शामिल हैं। साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश से भी ऐसे ही फ्रॉड करने के केस में वहाँ से भी जेल गया था और हाल ही में छूट करके आया था, जिसके बाद उसने दोबारा से ये गैंग बनाकर सभी ये इस तरीके के फ्रॉड करना शुरू किए। ये गैंग में जो मुख्य अभियुक्त एक तो विनय कुमार यादव है, साथ में पुनीत गौतम है जो सभी के अकाउंट्स लाता था, फर्जी आईडी प्रोवाइड करता था, और विशाल शर्मा वो लड़का है जो इन सभी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग अलग धर्म के पति पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि महिला को अपनी शर्तों पर जीवन जीने का हक है। कोर्ट ने महिला से बात कर वेरीफाई किया कि उसने मर्जी से शादी की है। साथ ही कोर्ट ने उसके पति के खिलाफ FIR रद्द कर दिया और एटा पुलिस को दंपत्ति को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लोनी में सोमवार को दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर अजय नामक फूल विक्रेता की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में राहगीर खड़े होकर तमाशा देखते नजर आए। पुलिस ने कहा कि दोनों हमलावर गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं उनमें से एक हमलावर की अजय से मंदिर के पास फूल की दुकानों को लेकर कहासुनी हुई थी।